Hello students, now today we will discuss about atmospheric pressure. The pressure extended by the atmosphere air on the surface of the earth is called the atmospheric pressure. Wo pressure jo aapka प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पूरी अर्थ पे, जो अर्थ की सर्फेस पे जो एयर का प्रेशर पड़ता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. इट एट डिफरेंट प्लेसेस वी एक्सपीरियंस वेरीड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अलग अलग जगह पे अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सपीरियंस किया जाता है. इट इज़ मेजर्ड इन मिलीबार्स, एमबी. मिलीबार्स को शॉर्ट में हम कहते हैं एमबी. ये मिलीबार्स में मेजर किया जाता है. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एट एज हाइट अबव द सी लेवल इंक्रीजेस. जैसे जैसे जो सी लेवल होता है उससे जैसे जैसे हाइट इसकी इंक्रीज़ करती जाती है वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ करता जाता है. अगर हाइट बढ़ेगी, मतलब लैंड एरिया और सी एरिया से अगर हमारी हाइट जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आप लोग माउंटेन एरियाज पे जाते हैं तो वहाँ पर हवा का जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो बहुत ही कम होता चला जाता है क्योंकि हम और हाइट पे और ऊंचे पे चले जाते हैं. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अ प्लेस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर और बैरोग्राफ. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किससे मेजर करी जाती है? बैरोमीटर और बैरोग्राफ. बैरोमीटर भी कहते हैं उसको और बैरोग्राफ भी कहते हैं. यू कैन सी हियर द पिक्चर इज़ ड्रॉन हेयर. पिक्चर बनी है बैरोमीटर की. नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज क्लोजली रिलेटेड टू द क्लाइमेट और वेदर ऑफ द रीजन. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट और वेदर पे डिपेंड होता है. As the temperature of a region rises, जैसे जैसे किसी particular region का temperature बढ़ता है तब the atmospheric pressure decreases and vice versa. अगर temperature rise होता है तो atmospheric pressure जो होता है वो कम हो जाता है, और vice versa मतलब इसी का उल्टा, अगर temperature decrease होगा तो atmospheric pressure बढ़ जाएगा. Land and sea breezes are caused because of pressure difference between the land and the sea. और जो land और sea breeze की जो conditions होती हैं वो pressure में changes होने की वजह से ही होती हैं. जो pressure में differences आते हैं between land and sea, जब land की condition देखी जाए, land पे pressure देखा जाए और sea पे pressure देखा जाए, तो दोनों में जो difference आता है वो land और sea breeze उसी से ही occur करते हैं. Let us understand this in detail. अब हम लोग देखेंगे कि land और sea breeze कैसे होता है. During the day, अगर दिन के टाइम में हम देखें, द लैंड हीट्स अप मोर क्विकली दैन द सी. तो जो लैंड वाला एरिया होता है वो बहुत जल्दी हीट अप कर जाता है इन कंपैरिजन टू सी. सी वाला एरिया देर में गर्म होगा और लैंड वाला एरिया जल्दी गर्म हो जाएगा. द एयर अबव द लैंड बिकम्स वार्म. तो फिर क्या होता है, जो एयर लैंड के ऊपर होती है, जो हवा चल रही होती है लैंड के ऊपर, वो जल्दी से वो क्या होने लगती है, वार्म होने लगती है, गर्म होने लगती है. व्हेन द वार्म एयर राइजेज अप. अब जैसे जैसे वो वार्म एयर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, राइज अप करता है, इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर जोन ओवर द लैंड. फिर वो क्या करती है, देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है. तो यहाँ पर जैसे ही लैंड के ऊपर जो एयर होती है वो जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ का जो प्रेशर होता है लैंड के ऊपर वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. अ हाई प्रेशर जोन इज क्रिएटेड ओवर द सी एज द एयर अबव द कूल सी इज कोल्ड एंड कंपैरेटिवली हैवी. और जो सी के ऊपर का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि जो सी के ऊपर जो हवा होती है वो क्या होती है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है.
द सी क्रिएटेड ओवर द सी एज द एयर अबव द कूल सी इज कोल्ड एंड कंपेरेटिवली हैवी. तो क्योंकि क्या होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, सी की ऊपर वाली जो हवा चलती है, उसके ऊपर जो हवा चल रही है, एटमोसफेयर होता है, वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, ठंडा होता है. तो ठंडा होने की वजह से वहाँ का जो एटमोसफेरिक प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. नाउ winds blow from high pressure area sea to low pressure area land causing sea breezes during the day. और फिर क्या होता है, जो winds होती हैं वो high pressure area, यानी कि high pressure area कहाँ पर होता है, sea में. तो sea से चलकर जो high pressure area होता है वो sea से चलकर कहाँ पर blow करते हैं, to low pressure area. low pressure area कहाँ होता है, land में. वहाँ से सी के एरिया से लैंड एरिया में ब्लो करती है, हवा बहती है, हवा चलती है, और कॉजिंग सी ब्रीजेस ड्यूरिंग द डे. और इसी की वजह से सी ब्रीजेस होते हैं ड्यूरिंग द डे. नाउ एट नाइट, अब रात के टाइम क्या होता है, द लैंड कूल्स डाउन रैपिडली वेयर एज द सी रिमेन्स वार्म. फिर क्या होता है, लैंड बहुत जल्दी ठंडी गर्म भी हो जाती है और साथ ही साथ बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है. जैसे ही रात होती है वैसे ही लैंड ठंडी हो जाती है जल्दी से. वेयर एज द सी रिमेन्स वार्म, और जो सी होती है वो हमें उस टाइम तक गर्म ही रहती है. अ लो प्रेशर एरिया इज फॉर्म्ड ओवर द वार्म सी एंड अ हाई प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड ऑन द कूल लैंड. क्या होता है, जो लो प्रेशर होता है वो कहाँ पर, फिर अब क्या होता है, टेम्परेचर लैंड के ऊपर का टेम्परेचर कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है. तो जब टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा. सो यहाँ पर क्या है, जब सी के एरिया, जब सी वाला एरिया है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया इज फॉर्म्ड ओवर द वार्म सी. तो सी पर क्या है, सी के ऊपर वाला एरिया क्या है, इस समय गर्म है, तो वहाँ का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, लो होगा. एंड हाई प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड ऑन द कूल लैंड, और लैंड क्या है, ठंडी है, लैंड के ऊपर वाला एरिया ठंडा है, उसकी हवा ठंडी है, तो वहाँ का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, हाई होगा. नाउ कूल विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड हाई प्रेशर एरिया टू द सी लो प्रेशर एरिया एंड हैंस लैंड ब्रीजेज आर फॉर्म. और उसके बाद क्या होता है, जो ठंडी हवा जो लैंड की तरफ से चलती है, जो कि एक हाई प्रेशर एरिया है, फिर किधर की तरफ जाती है, सी की तरफ जाती है, जो कि एक लो प्रेशर एरिया है, एंड इट कॉजेज लैंड ब्रीजेज आर फॉर्म. तभी लैंड ब्रीजेज फॉर्म होती हैं. आई होप स्टूडेंट्स कि आपको प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसको अच्छे से फिर से रीड आउट करिएगा और मेरा एक्सप्लेनेशन बार बार सुनिएगा, तो इसके आपको अच्छे से लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में भी डिफरेंस समझ में आ जाएगा. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक विल बी विंड्स. सो डू द रीडिंग ऑफ दिस टॉपिक प्रॉपरली फॉर टुमारो. थैंक यू.